ये आना चाहिए, ये जी बिल्कुल। देखिए साथियों, अभी इस वक्त में आप स्थिति देख रहे हैं वाराणसी में नॉमिनेशन सेंटर की, जहां पर यहां जितने भी प्रत्याशी आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये लोग पिछले दो दिन से तीन दिन से लगातार लाइनों में लगे हुए हैं। और लाइनों में किस लिए लगे हैं? फॉर्म लेने के लिए, जिसका नंबर पहला नंबर होता है, दूसरा नंबर होता है, तीसरा नंबर होता है। सिग्नल कट जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, सिग्नल कट रहे हैं, वो सिग्नल काटेंगे ये लोग। अभी तो बहुत कुछ किया जाएगा, सिग्नल काटे जाएंगे, फोन बंद किए जाएंगे, लोगों को बंद किया जाएगा। आपको मेन क्या क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या की अगर मैं बात करना चाहूँगी, हमारी बहन बताएंगे, वकील जी दीदी बताएंगे। समस्या यही है कि 7 तारीख से आवेदन फॉर्म लेने की तिथि है, लेकिन हमें लगता है कि अभी कुछ लोग आके सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं, और जो पीछे 2-4 लोग 10 लोग हैं, उनको किसी भी ऐसे व्यक्ति को आवेदन फॉर्म नहीं मिल पा रहा, जिसको चुनाव लड़ना। ये मोदी की टीम आके आगे हो जाती है 40-45 लोग, चाहे नगर निगम के पार्षद हो, चाहे गुजरात से आए हो, गुजरात से चाहे आए हो। आप यहीं से प्रैक्टिस कर रहे हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे वाराणसी नामांकन स्थल से हम लोग उपस्थित हैं, और यहाँ पे रास्ता पे रोक दिया गया है जिस बात का मैडम, और बाकी भी आप मैडम का सीमा है वो भी खत्म हो जाने के बाद किसी को पर्ची मिलेगी नहीं, नामांकन मिलेगा नहीं, और जिसको मिला है वो वहाँ पे भरेंगे ही नहीं। साथियों ऐसे ही लोग आ रहे हैं जो साथियों मैं बात कहना चाहूंगा, अभी भाई साहब के समर्थन में बात कहना चाहूंगा, सब लोगों ने बूथ कैप्चरिंग का जमाना देखा था, बूथ कैप्चरिंग का जमाना देखा था, आरओ ऑफिस कैप्चरिंग हो रही है, देख सकते हैं आरओ कैप्चर हो चुका है, का जमाना है, और ये हम छोड़ेंगे नहीं, लेके जाएंगे। जो झूठ बोलेगा, जो बेईमानी करेगा, उसका नाम होगा भाई। जैसे मोदी बड़ा झूठा कोई नहीं है हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र से आया हूँ नामांकन के लिए, हालांकि मैं कांड सेवक था जी, मैंने पुरानी बीजेपी देखी है, पुरानी बीजेपी और आज की बीजेपी में बहुत फर्क है, ये ताना चाहिए। इस बीजेपी का ये काम है, ये इस बीजेपी का एक ही काम, दिल में करती मुंह में राम, ये नकली राम दुलार है, कातिल है, ये हत्यारे है। आज उन्होंने पूरा डीएम ऑफिस पे कब्जा किया है, क्यों आप डरते हो? अरे लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हो, लेकिन एक ना एक दिन आपको जरूर हिसाब देना पड़ेगा, जरूर। भैया ऐसा है जी, आपकी क्या समस्या है बताइए? भैया समस्या, मेरा नाम महेंद्र प्रताप गुंड है, इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आए हैं। ये भैया चाय बेचते थे गुजरात में, जैसा ये कहते थे, आप बताइए अगर ये चाय बेचते थे, इनको नामांकन फार्म ना दिया गया होता तो ये प्रधानमंत्री बनते? पूरी जनता आज 2-3 दिन से पूरी लाइन में लगी हुई है, किसी को नामांकन फार्म ये नहीं दे रहे हैं। ना नामांकन, मेरा 25,000 रुपया जमा हो गया, अभी तक 3 दिन से मैं परेशान हूँ, अभी तक नहीं दिया गया। मैं 7 बजे से आया हूँ, मोदी के गुलाम बन के बैठा हूँ, मैं साला पानी पी पाया और खाना खा के आया हूँ। यहाँ पे अधिवक्ता हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, 3 वाराणसी में जी, वाराणसी के यहाँ पे दीवानी कचहरी में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये मेरी बहन है, छोटी बहन है, और ये हम लोग 2-3 दिन से यहाँ पे लाइन लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग को फॉर्म नहीं मिल रहा है। उनके ही अपने ही कौन से व्यक्ति आ रहे हैं, 4-5 लोग को लाइन में आगे कर दिया जा रहा है, हम लोग को पीछे कर दिया जा रहा है, उन लोगों को दिखाने के लिए फॉर्म दिया जा रहा है। हमको तो लगता है कि मोदी जी लोगों से डर गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो और प्रत्याशी खड़ा हो जाए तो वो जो है बनारस से वो हार नहीं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव हारने वाले हैं? पूरा हारने के पूरा बताओ, 8,000 आदमी और इलेक्शन में भाग ले, इन्होंने आम नागरिकों को जो है समाप्त कर दिया, और इनके विरुद्ध पूरा भारत अब रोड पे आ जाएगा, और ये इनका आखिरी चुनाव है। हमारा संदेश मोदी तक पहुंचा दीजिएगा।